Yeah, I went and tried to tell her that I love her, and she told me you can find your way to the friend zone. It's whatever. I don't even care anymore. Hey guys, welcome to my new blog. I hope आप सभी ठीक होंगे. तो मैं जा रहा हूँ दुकान पर और सौरभ रिया हो चुके हैं लेट. 9 बज चुके हैं. देखो कितनी तेज साइकिल चला रहे हैं. मुझको देखो भागे भाई. ऐसे जैसे देखो ये रही बहुत ही से साइकिल चला रहे हैं. मैं कह रही थी मार बैठेगी जल्दी चला दो. तो लेट हो गए. मैं भी लेट हो गया. मैं तो अब आगे बताऊंगा. ये बहुत तेज जा रहे हैं. देख पहले इनको दिखाता हूँ. My best friend keep on blowing up my phone trying to ask me if I'm good. सौरभ रिया तो बहुत जोर से साइकिल चला रहे हैं. बहुत तेज चला रहे हैं. देखो वो तो पहुंच गए. और मैं स्वापी लेकर आया था. ये भी नहीं मानती इन. यूँ कह रही थी चलो चलो. फिर मैं अब रुक कर बांधता हूँ स्वापी को. वो तो आज उन पर यूँ कह रही थी मार पिटेगी. मैं कह रहा था और चला रहे मार तो पिटनी है. पर वो कह रहे थे नहीं बहुत जोर से चला के ले गया. तो मैंने स्वापी नहीं बांधी क्योंकि मैं लेट हो रहा था जाने के लिए दुकान पर. और मुझे जाना है पूटा वाली माता पर. पापा जी सुबह सुबह गए थे पूटा वाली माता पर और वो है ना दान पेटी में पैसे डालने भूल गए. तो इसलिए मैं जा रहा हूँ. मैंने कहा मैं चले आता हूँ और दर्शन ही हो जाएंगे मेरे. तो मैं कह रहा था पापा जी मैं भी चल रहा हूँ. तो इसलिए दान पेटी में पैसे भी डाल ले आऊँगा और दर्शन भी करेगा. मैं बता रहा था मंग रहा था ना कि ये लग रहे देखो. ये तो उनके से दिख रहे कैमरे में पर ये लग रहे हैं 181 तो यहीं पर हो गए. ये देखो. I mean, really, if I'm trying to be real, then I already know what it is. The best thing you could ever want to wish for at the best time of the year. National Friends Day. I'm as green as I want to be. Cruising through the late night shifts on a jet ski, blowing out. Blowing smoke out my head, it's fine. I don't even know the time. I don't really know the feel. She don't even know what's up. Told her, tell me how you really feel. But she don't really give a damn. Still tell me, take a hand. मैंने दान पेटी में पैसे डाल दिए थे और दर्शन भी कर लिए. तो फिर मैं चलता हूँ दुकान पर. लेट भी हो रहा था तो इसीलिए अब तो सफाई मैंने बंद कर दी सभी क्योंकि झाड़े पड़ रहे थे. तो मैंने दुकान खोल ली और मैं सफाई सफाई कर कर बैठा हूँ. और अभी तक किसी की दुकान नहीं खुली क्योंकि यहाँ तो कपड़े और वैसे ही परचून की दुकान बहुत है ना. इसीलिए तो अभी तक किसी की दुकान नहीं खुली. तो सौरभ लिया तो बहुत तेज साइकिल चलाकर लेकर आए थे क्योंकि वो लेट हो गए. उनसे पूछूंगा कि वो पिटे थे कि क्या हुआ उनका. तो अभी तो यार 30-10 रुपये की बिक्री हुई है. और दिना तो है ना अब तक 40-180-200 पहुँच जाती बिक्री है भाई. आज तो कम हुई है क्योंकि लेट आया था और मैं तो इसीलिए कम हो पाई. अब छुट्टी में होगी पापा जी होते हैं तो और हो जाती है बिक्री क्योंकि पापा जी को देख कर आते हैं ना. किताब कॉपी खत्म हो गई है तो यहाँ से उठा कर रखता हूँ इनको. देखो ये रही इनको उठा कर रख देता हूँ. इंग्लिश वाली खत्म हो गई थी यहाँ से. सबसे ज़्यादा तो हिंदी वाली बेचती है क्योंकि सभी हिंदी वाली पे करते हैं 10 वाली और 20 वाली से. मतलब हिंदी वाली कौन सी हो वो तो बेचती है. छोटे बच्चे ले जाते हैं जो 3. Is it really who we are? Is it really who I am? Is it really? ज़्यादा कम से कम 12 उम्र का आता था. मैं दुकान चलाता है इकलाई. जब पापा जी जैसे अलीगढ़ गए सामान लेने के लिए तो मैं छोटा कीपैड वाला फ़ोन था उस पर कॉल करवा कर. और वैसे मुझे सब रेट मालूम थे कितना किस पर कितना डिस्काउंट कटेगा. अब तो भाई मुझे मालूम नहीं है. कम मालूम है. मतलब अब दुकान चला रहा हूँ तो 6 दिन थे तो इकलाई चलाता पहले मैं. तो देखो दवाई लगाने मशीन अभी तक यहीं पर रखी है. कब की ख़राब हुई थी क्योंकि इसका पता नहीं क्या हो गया है. ख़राब हो गया ना ये. तो पापा जी दुकान पर रखी रखा क्या आएगा पता नहीं. यहाँ से कुछ ख़राबी होगी यहाँ से इंजन में. और ये तो देखो अंदर खुल गए. आलू में दवाई तो वैसे लगाई थी. हम खाद डालते थे ना गोबर वाला इसीलिए हमें कम दवाई लगानी पड़ती है. इस ब्लॉग को ही प्रिंट करता हूँ. आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना. चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय.